हेलो हेलो, एक बार सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी तालियों के साथ जोरदार स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी भाई नीरज शर्मा, भाई राम खान। हेलो वालेकुम, नमस्कार। हमारे पूरे माधवपुर के सरदारी नीरज शर्मा जी और इकराम भाई का स्वागत करती है और आप सभी जोरदार तालियां बजाकर हमारे नीरज भाई और इकराम भाई को अपना समर्थन दें। हेलो, विधायक जी के पगड़ी बांधने का हम जो है बुलाते हैं कि भाई दादा फजलुद्दीन, दादा रहमान, शौकीन सरपंच, समयदीन, दाऊद, इकराम, इकराम जी के बंदे के भी पकड़े दोनों बताइए, और एक अपने वेदपाल सरपंच जी आए हुए हैं उनके भी पकड़े बंदे के, और एक इंसाफ सरपंच है उनके पकड़े बंदे। कहाँ जाओ हन्नान पकड़ेंगे भाई माइक आप जरूरी है क्या बनी भैया का में पीछे को आम जुड़की में लड़ा हूँ हेलो लाला आप ही बोलो भाई इकराम को दाऊद और समयदीन पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे उनका। समयदीन भाई भाई सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ नीरज शर्मा जी और जितने मौजूद यहाँ पे आए हुए हैं उन सब का ताली बजा के स्वागत करेंगे। संदीप भारद्वाज जी प्लीज स्टेज पर आइए। संदीप भारद्वाज जी का भी अल्लम मेंबर कहाँ है मंच बाजे अल्लम मेंबर नीरज शर्मा, नीरज शर्मा, सुभाष राय ऊपर आ जाओ।
सुभाष भाई जहाँ भी हैं प्लीज स्टेज पे आइए। सुभाष भाई भाई लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा गर्मी को सहन करना पड़ेगा आप सभी को। समयदीन भाई गुलदस्ते के साथ शामिल हो जाइए आप भी। आसिम भाई और हम सब लोग इकराम टीम के बहुत जुझारू मेंबर रहे हैं जो टीम पंडित जी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाई ज्यादा समय ना लेते हुए गर्मी बहुत हो रही है। हाकम भाई हाकम दादा आगे आ जाओ तू हाकम चाचा हमीद आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाइयों और मेरे बहनों मैं आपको बता देता हूँ जो हमारी टीम थी ये इकराम भाई की टीम जिन्होंने पंडित जी को अपना पूर्ण समर्थन देकर आज हम नीरज जी को कामयाब बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताकर पंडित जी को मंत्री बनाने का काम हम करेंगे। दादा मोरमल और दादा सुनील ऊपर आ जाओ आज जी आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम और राम राम। प्यारे बच्चों नौजवान साथियों और मातृशक्ति आज इसी के मौके पर हमारे जो इकराम भाई की टीम है वो आज नीरज भाई के लिए समर्पित है जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाइयों आप सबको पता है चुनाव का माहौल चल रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कांग्रेस के फेवर में हमारे नीरज शर्मा जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो आने वाली 5 तारीख को भारी बहुमत के साथ उनको वोट करें और इनको जिताएं। देखो आपके बीच में कैंडिडेट तो बहुत आएंगे पहले भी एक विधायक रहे इन्हें से जीते हम फिर अपने मफाद के लिए बीजेपी में चले गए उस दौरान सीएम साहब की गोदी में बैठे रहे मेरे ख्याल से तो हमारे किसी भी गांव में ईंट तक ना लगाई हुई थी। भाइयों आज समय है किसी के बहकावे में ना आओ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहुत ही जुझारू साथी पंडित नीरज शर्मा जो फिलहाल भी विधायक हैं आगे भी इंशाल्लाह मंत्री बनने जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। हमारी तो आप सबसे यही हाथ जोड़ के अपील है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। मैं आज आमंत्रित करूँगा इकराम भाई को अपने शब्द रखें। अस्सलाम वालेकुम नमस्कार मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों मेरी सरदारी आदरणीय हमारे बहुत ही जुझारू विधायक भाई नीरज शर्मा जी मेरा विशाल सरपंच जी अपना वेदपाल जी शमशोर जी जावेद जी भाई और जो आज मादलपुर की जुझारू नौजवानों ने बुजुर्गों ने जो ये स्वागत किया है मैं इसके लिए आसिम भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
भाई लाला का, भाई समयदीन, भाई जाकिर, भाई जितने भी मेरे नौजवान खलील भाई और सारे जितने मेरे नौजवान साथी हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से और सरदारी का धन्यवाद करता हूं। साथियों, मादलपुर मेरा गांव तो सारे अपने हैं, लेकिन मादलपुर से सारे पूरे चारों तरफ के कोने से मुझे बहुत प्यार है। हाजी कासम है, सभी से मेरा इतना प्यार रहा है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले एक साल से इलेक्शन लड़ रहा था, बहुजन समाज पार्टी मैंने ज्वाइन की हुई थी और मैं सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से अपना काम आगे बढ़ा रहा था इलेक्शन लड़ने का। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, और जब मुझे लगा कि नीरज भाई एक अच्छे इंसान हैं और आने वाला समय कांग्रेस का है, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन सारी चीजों को और इस आज के जो हालात के हिसाब से, आज के जो डेवलपमेंट है, खास तौर से मुझे बड़ी टीस होती है कि मादलपुर गांव का जब स्कूल, विधायक जी, जब मैं मादलपुर गांव का स्कूल, एक पांचवी तक का स्कूल है, मेरे अपने गांव का स्कूल भी पांचवी तक का है, तब मैं इस चीज को देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे समाज के लिए, हमारी बच्चियां बाहर जाती हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं ये फैसला, मैंने आपके लिए, बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, पूरे इलाके के लिए मैंने ये फैसला लिया कि मेरे से बढ़िया आज जो हालात हैं वो नीरज भाई हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैंने ये फैसला आपके लिए, इलाके के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, ये फैसला मैंने लिया है। नहीं तो ये स्कूल हमारा आगे भी 5-10 साल ऐसे ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ विधायक जी से, विधायक जी ने पीछे भी हर गाँव में ये कहा है, कोई भी स्कूल 10वीं और 12वीं से कम नहीं रहेगा। साथियों, इन सारी चीजों को देखते हुए भाई नीरज के हमें मजबूत हाथ करने हैं। मैं चाहता हूं, मेरे दिल की इच्छा यह है, मादलपुर एक सूत्र में बंध के हमें 90% वोट नीरज भाई को देनी है, ताकि आपका योगदान इस जीत में मील का पत्थर साबित हो। मैं ये चाहता हूं और मैं सारी टीम से, मैं पुनः हसीम भाई की सारी टीम का, सरपंच साहब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराइयों से मैं आभारी हूं कि सारे नौजवान साथियों ने आज इतना बड़ा प्रोग्राम करके जो आज ये सम्मान दिया है नीरज भाई को, हमको, इकरार भाई, सारे हम यहाँ आए हुए हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और दोबारा वोट की अपील करता हूं कि भाई वोट 90% सुबह 10 बजे तक ही घेरनी है और कांग्रेस का मजबूत हाथ करना है, नीरज भाई को जिताना है। जय हिंद, जय भारत। देखो भाई, समय बहुत हो चुका है, अभी प्रोग्राम है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, वक्त बहुत है बोलने के लिए। अब मैं हमारे विधायक नीरज शर्मा जी से अपील करता हूँ कि वो आए और अपने दोस्तों से इस सरदारी का शुक्रगुजार करें। भैया, सलाम वालेकुम। उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति को हाथ जोड़ के नमस्कार, और व्यक्तिगत नाम के किसी का नाम लेते हुए, इकराम भाई, जो आपने फैसला लिया, जो माधवपुर की आपकी टीम ने समर्थन दिया, उसके लिए मैं तुमसे धन्यवाद देता हूँ। और ये मैं ज़्यादा विश्वास दिलाता हूँ, चाहे फतेहपुर तगा से माधवपुर की सड़क हो, और पीछे हमने कोशिश भी की थी, माधवपुर में पंचायती जमीन भी है, YMCA को दे रखी है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ ना कुछ आने वाले समय में अपनी सरकार में ना प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे, काम की कोई कमी बचेगी नहीं। हमारे बाबा का बड़ा चेता गांव रहा, पुराना गांव रहा, और हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है कि कांग्रेस की सरकार आने पे हर महिला को जो 18 से 60 साल की 2000 रुपये महीना मिलेगा, 6000 पेंशन होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, 100 रुपये फ्लैट जैसे गरीबों को पहले दिए थे फिर दिए जाएंगे, और जैसे राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज फ्री है, वही हरियाणा में स्कीम लागू होगी, 2 लाख सरकारी नौकरियां लगाई जाएंगी, और वो नौकरियां BJP की तरह नहीं होंगी जो गुजराती भर्ती कर दिए, पर्चे लीक हो गए, भर्ती पत्थर में पैसे निकले, भर्तियाँ हरियाणा के लोगों की होंगी, फरीदाबाद के लोगों की होगी, NIT 86 के लोगों की होगी, माधवपुर के लोगों की होगी, और ये तुलसी के लोगों के लोग बैठे हैं, इनके लिए खासतौर से हुड्डा साहब ने घोषणा करी है
कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रवासी कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा प्रवासियों की रक्षा सुरक्षा के लिए, और जो अब की बार हम छठ का त्यौहार मनाएंगे, छठ को हुड्डा साहब ने सरकारी छुट्टी की भी घोषणा करी है, ये सरकार और सपन तो कोई दाढ़ी से कम का नहीं छोड़ूंगा। एक राम भाई, जिस उम्मीद विश्वास से आपने साथ दिया, आपको फख्र महसूस होने देंगे, आपकी गर्दन कभी भी मेरे सामने नहीं झुकने देगा। नमस्कार।